आज के वीडियो में हम बात करेंगे आइडल मुंबई यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन टाइम टेबल फॉर डिफरेंट कोर्सेस, जैसे एम कॉम हो गया, एम ए हो गया, फिर उसके बाद एस वाई बी कॉम, एफ वाई बी ए, इन सभी कोर्सेस का टाइम टेबल कैसे आपको डाउनलोड करना है, इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है मुझे व्हाट्सअप कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, इवन कमेंट्स भी कर रहे थे, सर टाइम टेबल मुझे नहीं मिल रहा है, तो टाइम टेबल कैसे आप फाइंड कर सकते हो। अब देखिए, टाइम टेबल जो है यहाँ पे अगर आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आओगे, ठीक है, ये मुंबई यूनिवर्सिटी mu.ac.in टाइप करोगे तो आपको जो यहाँ पे है रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। या तो ये वाले वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिस्टेंस ओपन लर्निंग पे, इस पर आप क्लिक करोगे तो अल्टीमेटली ये ओपन लर्निंग वाले वेबसाइट पे आ जाओगे डिस्टेंस का, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सा टैब चेक करना है, ये एग्जामिनेशन टाइम टेबल वाला, ठीक है, और अगर कब से एग्जाम होने वाला है वो चेक करना है तो आप यहाँ पे ये डेट ऑफ कमेंसमेंट में आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसको हमें नहीं चेक करना है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, ओके। हमको क्या चेक करना है, एग्जामिनेशन टाइम टेबल चेक करना है, ठीक है, एग्जामिनेशन टाइम टेबल। अब एक एक करके मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे एमएससी के लिए दिया है, ये इंटरनल थ्योरी का टाइम टेबल है, तो एमएससी का यहाँ पे आप इस पर जब मोबाइल पे क्लिक करोगे डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद FY BSc IT सेमेस्टर वन का टाइम टेबल है, FY BSc अगेन कंप्यूटर साइंस का है, CS जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट BCOM पे जाते हैं, ठीक है। FY BSc SY BSc सब BSc IT का ये रिपीटर्स का है। नाउ हम लोग जो यहाँ पे आप देख सकते हैं BAF का, क्योंकि आइडल ने लास्ट ईयर चालू किया है डिस्टेंस लर्निंग से BAF का, BCOM भी था उसके अलावा इन्होंने BAF भी ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ओपन करने के लिए, देखो ओपन हो जाएगा अभी, ओके। तब तक ओपन होता है तब तक हम लोग दूसरा बता देते हैं आपको। देखो एम कॉम सेमेस्टर 3 का जनवरी दिसंबर बैच 2022 का उनके लिए है, ठीक है। यहाँ पे सेमेस्टर 2 किसका, एमए सेमेस्टर 2 के लिए है, समर सेशन, ठीक है। तो इसमें अगर जैसे मान लो ये ओपन करते हो आप, ठीक है, अगर ये ओपन होता है, थोड़ा सा वेबसाइट क्या होती है कभी कभी स्लो चलती है, इसके लिए डायरेक्टली ओपन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो ये भी ओपन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है फर्स्ट हाफ, मतलब मई जून सेशन वाले लोग का है, ठीक है, जुलाई सेशन वाले लोग का 21-22 का। इसमें जो दिया है नोटिस दिया, देखो अभी किसका है, ये सभी कोर्सेज का इन्होंने एक साथ दे दिया है, ठीक है। ये डेट दिया है, ये कोड है, और ये डेट है, और ये क्या है, पेपर है, ठीक है। कि समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ मैं। देखो एमए का सेमेस्टर 3 का, ये क्या है सेमेस्टर 2 का। वैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जनवरी दिसंबर सेशन सेमेस्टर 2 का आपको दिख जाएगा, यहाँ पे जनवरी दिसंबर सेमेस्टर 1 का दिख जाएगा फ्रेश एंड रिपीटर्स, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। देखो जनवरी दिसंबर फर्स्ट हाफ, इसको देखो ये वाला सेशन फर्स्ट हाफ, तो ये जो है ऑलरेडी यहाँ पे जो है आप आके चेक कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है मैं आपको वापस और दिखा देता हूँ, बीकॉम का FY BCOM का काफी लोग पूछ रहे थे, तो ये देखो एमए पार्ट 2 का है, एम कॉम का सेमेस्टर 1 का है, यहाँ पे आप देख सकते हो एम कॉम सेमेस्टर 1। अगेन थोड़ा सा नीचे आओगे तो फिर यहाँ पे आपको जो है एम कॉम का जनवरी दिसंबर सेशन का दिखेगा फर्स्ट का। तो यहाँ पे आप टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हो सभी कोर्सेज का, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे देखो FY BA सेमेस्टर 1, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हो जनवरी दिसंबर सेशन के लिए रहेगा। सेमेस्टर 2 का जनवरी दिसंबर का यहाँ पे है, FY BA सेमेस्टर 2 जुलाई सेशन का है, ठीक है। जो सेमेस्टर 2 जिनका एग्जाम हुआ था मार्च में, उनका रिजल्ट भी आया है, तो सेमेस्टर 2 का एग्जाम्स कब होगा, तो ये देखो ये ओपन हो रहा है, जब तक ओपन हो रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे SYBA का देख सकते हैं जनवरी जुलाई सेशन का, ठीक है। देखो ये ओपन कर लो, चेक कर लो, तो यहाँ पे जो है सभी कोर्सेज के, ठीक है, एनुअल पैटर्न एज वेल एज जो है सेमेस्टर पैटर्न, FY BAF का दिया है, BCOM का एनुअल पैटर्न, तो एनुअल का नहीं देखना है, जिनका रिपीटर्स रहेगा उनका एनुअल रहेगा, एनुअल पैटर्न खत्म हो चुका है। FY BCOM SEM 1 का जनवरी दिसंबर सेशन, ये देखो SEM 1 जो है जुलाई सेशन, FY BA सेमेस्टर 2 जुलाई सेशन, SY BCOM एनुअल पैटर्न का एग्जामिनेशन। थोड़ा सा और नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको अगेन MA का टाइम टेबल मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे टाइम टेबल है, यहाँ पे आप अपनी सब नहीं डाउनलोड करना, जैसे मान लीजिए आप MA एजुकेशन से करो तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा और नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको और जो है MCOM का पार्ट 1 का एनुअल का मिल जाएगा, ATKT के सेमेस्टर का, MSc का मिल जाएगा, और धीरे मतलब यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज सभी कोर्सेज के जो है टाइम टेबल आपको मिल जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे SY BCOM SY BA का टाइम टेबल जो है वो
रिवाइज हुआ है, क्यों? क्योंकि एग्जाम था वो पोस्टपोन्ड हुआ है, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले इसके पहले वीडियोस में अपडेट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो रिवाइज एग्जामिनेशन डेट फॉर जुलाई सेशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो तीन कोर्स है एस वाई बी ए का और एस वाई बी कॉम का, सेमेस्टर थ्री एंड सेमेस्टर फोर का, ये डिक्लेयर सून, ये डेट पोस्टपोन्ड हुआ, बाकी सारे कोर्सेज के एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी के टाइम टेबल जो है, जैसे ये एफ वाई बी ए का है, देख सकते हो आप टाइम टेबल, ठीक है। कब से? 20 जुलाई से जो है आपका मॉक टेस्ट चालू हो जाएगा, मतलब कल से मॉक टेस्ट चालू हो जाएगा, ठीक है। तो कल से मॉक टेस्ट मतलब आज रात में जो है आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है, या कल के दिन मैसेज आएगा। तो ये जो है टाइम टेबल है एस वाई बी ए का, ये जुलाई सेशन का है, रिपीटर्स स्टूडेंट लोग के लिए, फ्रेश स्टूडेंट नहीं, वो भी एनुअल पैटर्न का है, ठीक है। तो एस वाई बी ए का जो एग्जाम्स है वो एनुअल पैटर्न के लिए है, फ्रेश एग्जामिनेशन और सीबीसीएस सेमेस्टर पैटर्न के लिए नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एनुअल पैटर्न का, वो भी एटी के टी का, जिन लोगों ने फॉर्म भरा रहेगा उनका है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे आपको टाइम टेबल डाउनलोड करना है आपका, ठीक है। अब ये सारे पीडीएफ डाउनलोड करके मैं वेबसाइट पे ऐड कर सकता हूँ अपने सिस्टमेटिकली, लेकिन कोई मतलब नहीं, इसमें बहुत सारे जो है, एक नहीं है, 20-25 टाइम टेबल है, तो आई कैन नॉट ऐड एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट्स में मैंने बता दिया कैसे आपको चेक करना है, इसलिए आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन टाइम टेबल, कमेंट करके बताओ, ठीक है, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा।